सो टॉप 5 बेस्ट होम थिएटर्स जिन्हें आप बस 3000 रुपए में खरीद सकते हैं। 3000 की रेंज में आपको डिसेंट साउंड आउटपुट देने वाले होम थिएटर्स मिल जाते हैं। कुछ न्यू कंपनीज 3000 में आने वाले 5.1 एंड 7.1 चैनल्स के भी होम थिएटर्स बनाती है, जो कि प्राइस के हिसाब से काफी अच्छा साउंड प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको टीवी एंड पीसी के लिए या म्यूजिक एंजॉय करने के लिए कम या ज्यादा स्पीकर वाला एक बेस्ट होम थिएटर चाहिए ना, वो सारे मैंने इस लिस्ट में कवर किए हैं। नंबर 5 पर है फिलिप्स के मल्टीमीडिया स्पीकर्स, जो कि 2.1 चैनल का होम थिएटर है। 31 वैट का साउंड आउटपुट ये आपको देता है। तो 16 वैट्स के सैटेलाइट स्पीकर्स एंड एक 15 वैट्स का सबवूफर इस होम थिएटर में अवेलेबल है। इनबिल्ट FM मिलता है, साथ ही सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस लाइक ऑक्स, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, SD कार्ड एंड USB सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसे कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिमोट मिलता है। एंड अगर साउंड क्वालिटी की बात करूं तो फिलिप्स के ऑडियो प्रोडक्ट्स में आपको बेस काफी अच्छा मिल जाता है एंड एक अच्छी खासी म्यूजिक क्वालिटी ये होम थिएटर आपको देने में कैपेबल है। इसका बस एक ड्रॉबैक है कि ये होम थिएटर ज्यादा लाउड नहीं है, बट अगर आपका रूम काफी छोटा है ना एंड आपको फिलिप जैसे बड़े ब्रांड का 2.1 चैनल होम थिएटर चाहिए तो आप इसे खरीद सकते हैं। आपको 3199 रुपीज में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, लिस्ट के सभी होम थिएटर्स के डिस्काउंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन लिंक्स पर क्लिक करके इन्हें खरीद सकते हैं। लिस्ट में 4th नंबर पर है FND का होम थिएटर एंड इसमें आपको RGB लाइट्स मिल जाएंगे। मेरे हिसाब से ये स्पीकर आपके PC के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, क्योंकि सबसे पहले तो ये 2.1 चैनल स्पीकर है, साथ ही 37 वैट का साउंड आउटपुट जो कि काफी सही है। और यह होम थिएटर आपके टेबल टॉप पर काफी कम स्पेस लेगा। इसमें 10+10 यानी 20 वैट्स के सैटेलाइट स्पीकर्स आपको मिलेंगे एंड 18 वैट का सबवूफर जो कि काफी लाउड है। लिस्ट के सभी होम थिएटर्स की तरह इसमें भी आपको सारे कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिल जाते हैं लाइक ऑक्स केबल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड एंड ब्लूटूथ। इसमें FM भी अवेलेबल है एंड ये फुल्ली रिमोट कंट्रोल्ड है। ओवरऑल जिन्हें अपने PC के लिए होम थिएटर चाहिए उनके लिए यह परफेक्ट रहेगा। यह आपको 3190 का अवेलेबल मिल जाएगा। नाउ 3rd नंबर पर है ट्रॉनिका किंग सीरीज के स्पीकर्स और ये एक 5.1 चैनल होम थिएटर है, यानी आपको पूरे 5 सैटेलाइट स्पीकर्स इसमें मिलेंगे एंड एक 10 वैट्स का सबवूफर अवेलेबल है। इसे आप रिमोट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। 40 वैट्स का साउंड आउटपुट आपको ये होम थिएटर देने में कैपेबल है एंड इनबिल्ट FM इज ऑल्सो अवेलेबल। ये तो हो गई बात गिवन स्पेसिफिकेशंस की, बट अगर साउंड क्वालिटी की बात करूं ना देन 80% वॉल्यूम से ऊपर साउंड इसमें बुरी तरह से शटर हो जाता है एंड बिल्ड क्वालिटी भी इस होम थिएटर की काफी एवरेज सी है, बट इसकी प्राइस के हिसाब से ये काफी डिसेंट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो दे देता है, जो कि ये आपको 2400 के अराउंड Amazon पर मिल जाएगा। इसके भी बेस्ट बाइंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। लिस्ट में 2nd नंबर पर आता है क्राइसेंस का होम थिएटर। इसमें आपको पूरे 7 सैटेलाइट स्पीकर्स मिलते हैं एंड एक सबवूफर भी। सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको इसमें मिलेंगे। इनबिल्ट FM भी अवेलेबल है एंड इसे आप रिमोट के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। साउंड आउटपुट भी इस होम थिएटर का काफी अच्छा खासा है। 60 वैट्स का साउंड आउटपुट आपको मिलता है, जो कि वाकई में काफी बढ़िया है। अगेन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी एवरेज सी है, बट ये अकेला ऐसा होम थिएटर है जो कि आपको 3000 में 7.1 चैनल मल्टीमीडिया स्पीकर्स प्रोवाइड करता है, जो कि अच्छी डील है। सो अगर आपको एक बड़ा और ज्यादा स्पीकर्स वाला एक होम थिएटर चाहिए ना, आपके पास जगह की बिल्कुल कमी नहीं है, डेफिनेटली इसे आप खरीद सकते हैं। लोज, मिड्स, हाईज एंड बेस क्वालिटी इस होम थिएटर की बिल्कुल एवरेज सी है, बट एक लाउड साउंड ये आपको दे देगा। इसे आप 2700 में अपना बना सकते हैं। सो फाइनली 1 पे आता है ज़ेब्रोनिक्स का होम थिएटर एंड ये आपको लगभग सब कुछ दे देता है। लाइक इसमें सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस अवेलेबल है, रिमोट कंट्रोल भी आपको ये मिल जाएगा एंड ये 4.1 चैनल होम थिएटर 4 स्पीकर्स एंड एक सबवूफर के साथ में आता है। टोटल 60 वैट का साउंड आउटपुट आपको मिल जाएगा एंड ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांड वैल्यू भी ये आपको देगा और इसमें आपको RGB लाइट्स भी मिलेगी। सो अगर आपको एक गुड क्वालिटी का नॉर्मल होम थिएटर चाहिए ना तो इसे आप ले सकते हैं। ये आपको 3300 रुपीज में मिल जाएगा। वंस अगेन दोस्तों, सभी होम थिएटर्स के डिस्काउंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।